Hello everyone, my name is Sohan Kumar and today I am here with this most amazing and beautiful poem. That is My Mother at 66, written by Kamala Das. और Kamala Das इस poem में अपनी mother के बारे में कहती हैं कि मेरी mother की जो एज है वो 66 हो चुकी है, और जब किसी की, चाहे वो मदर है या ग्रैंड मदर है, जब उनकी उम्र 66 के करीब हो चुकी होती है ना, तो कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि कहीं वो इस दुनिया से जल्दी ही ना चली जाए। वही डर कमला दास के मन में आया अपनी माँ को लेकर कि उनकी उम्र 66 हो चुकी है, कहीं वो इस दुनिया से ना चली जाए। और यही इस पोइम की थीम है। थीम ऑफ द पोइम, एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लूजिंग द लव्ड वन, बढ़ती हुई उम्र और अपनों को खो देने का डर। क्योंकि यहाँ पर उसकी जो मदर की उम्र बढ़ रही है और उसको खो देने का डर उसको सता रहा है कहीं ना कहीं, कमला दास को। सो लेट्स बिगन द समरी ऑफ दिस पोइम। फर्स्ट, तो समरी से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कमला दास अपने मायके आई हुई है और अपनी मदर से मिलने के बाद वो वापस अपने ससुराल जाती हैं। वो जब वापस जा रही हैं तो वो कोचीन एयरपोर्ट है उसकी तरफ जा रही है, जो एयरपोर्ट केरला में पड़ता है। ड्राइव करके जा रही है, उसकी माँ उसके साथ हैं, कार में बैठी हुई है कमला दास, ड्राइव कर रही है, उसकी मदर उसके साथ है जो उसको सी ऑफ छोड़ने के लिए जा रही है। तो किस तरीके से जब वो कार में बैठी है अपनी माँ के साथ कमला दास, किस तरीके ख्याल आते हैं अपनी मदर के बारे में, वो सारी बातें समरी में हैं। सो लेट्स बिगिन द समरी। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, ये शुक्रवार की सुबह थी जिस वक्त मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट, जो कवित्री हैं अपने माँ बाप के घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, उसकी माँ उसके पास कार में बैठी हुई थी। द मदर वॉज देन 66 ईयर्स ओल्ड, तब उसकी मदर की उम्र 66 साल थी। किस वक्त? जिस वक्त वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं और उसकी मदर उसके बगल में बैठी हुई है। वाइल गोइंग द पोइट टर्न टू लुक एट हर मदर, और जाते वक्त जब वो ड्राइव कर रही है, कवित्री है, अपनी माँ की तरफ देखती है। सी फाउंड दैट मदर वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन, डोजिंग होते हैं ऊँगना, और वो देखती है कि जो उसकी मदर है वो ऊँग रही थी और उसका जो मुँह है वो खुला था। हर फेस वॉज एज पेल एज दैट ऑफ ए डेड पर्सन, और पेल होता है पीला, जो उसकी मदर का चेहरा है वो उतना पीला था जितना कि एक मृत व्यक्ति का चेहरा पीला होता है। इंसान के मरने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, और उसी तरीके से चेहरा हो चुका था उसकी मदर का। द पोइट पेनफुली रियलाइज दैट हर मदर वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, पेनफुली होता है दर्द से रियलाइज़ महसूस करना, और कवित्री ने दर्द से महसूस किया कि शायद अब उसकी जो मदर है वो ज़्यादा समय तक नहीं जिएगी। बट सून सी ड्रॉ दिस पेनफुल थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड, ड्रॉ का मतलब यहाँ पर है निकाल देना, लेकिन वो जल्दी ही इस दर्दनाक विचार को अपने दिमाग से निकाल देती है। किस दर्दनाक विचार को? कि उसकी माँ ज़्यादा लंबे समय तक शायद नहीं जिएगी। क्योंकि जब भी हमारे डियर और नियर के बारे में हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं ना, तो हम उन ख्यालों को जल्दी ही निकाल देना चाहते हैं। वही कमला दास ने किया, और उन ख्यालों को निकालने के लिए कमला दास ने क्या किया, बाहर देखा, खिड़की से बाहर, जो कार की खिड़की थी। सी स्टार्टेड लुकिंग एट द यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, उसने जो रोड की साइड में पेड़ थे, छोटे पेड़ थे, उनकी तरफ देखना शुरू किया। दैट सीम टू बी रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट सीम्ड का मतलब लगना, प्रतीत होना, जो तेज़ भागते हुए लग रहे थे। ये दृश्य उसने देखा कि छोटे पेड़ थे और वो पेड़ है ना तेज़ भागते हुए लग रहे थे। देखो आमतौर पे ऐसा होता ही है कि जब हम किसी व्हीकल में बैठे होते हैं, कार में, बस में, तो हमें पेड़ भागते हुए दिखाई देते हैं, तो कमला दास को भी वो पेड़ भागते हुए दिखाई दिए। एक दृश्य तो उसने ये देखा खिड़की से बाहर। दूसरा दृश्य उसने क्या देखा, सी सा चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन जॉय, दूसरा उसने देखा कि जो बच्चे हैं ना खुशी से अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। दूसरा दृश्य उसने ये देखा जब वो ड्राइव कर रही थी बाहर, उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो खुश
खुशी के मूड में अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। तो ये दोनों दृश्य उसने देखे बाहर की तरफ। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट द पोइट वेंट फॉर द सिक्योरिटी चेक सुरक्षा जांच। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो कवित्री है सुरक्षा जांच से गुजरी, मतलब उसकी सिक्योरिटी चेक हुई जैसी होती है। हर मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड ए फ्यू यार्ड्स अवे, और जो उसकी मदर है उस वक्त कुछ गज की दूरी पर बाहर खड़ी थी एयरपोर्ट से। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोइट अगेन लुक्ड एट हर मदर फ्रॉम दैट डिस्टेंस। और सुरक्षा जांच के बाद कवित्री ने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा उस दूरी से। द मदर्स फेस वॉज पेल वाइट, और उसकी मदर का जो चेहरा है वो एक आप कह सकते हो कि सफ़ेद पीलापन लिए हुए था, चेहरे सफ़ेद था और एक हल्का सा पीलापन आ चुका था। इट वॉज एज पेल एज द फेस ऑफ द मून इन लेट विंटर, और उसकी मदर का जो चेहरा ना इतना पीला नज़र आ रहा था जितना पीला चेहरा होता है चंद्रमा का जब वो सर्दियों की देर रात को निकलते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों की देर रात को निकलने वाला चंद्रमा है ना, वो अपनी चमक धमक खो चुका होता है और वो भी एक तरीके से फेड पीला नज़र आता है, और ऐसा ही चेहरा उसकी मदर का उसको नज़र आ रहा था अब। द पोइट फेल्ट एन ओल्ड फैमिलियर एक इन हर बॉडी, फेल्ट होता है महसूस करना, ओल्ड पुराना, फैमिलियर होता है जाना पहचाना परिचित, एक होता है एक्यूट पेन पीड़ा अत्यधिक दर्द, और कवित्री ने वही पुराना जाना पहचाना दर्द अपने शरीर में महसूस किया। कौन सा जाना पहचाना दर्द? वही कि शायद उसकी मदर इस दुनिया से जल्दी ही चली जाए। फाइनली सी सैड सी यू सून अम्मा, और आखिर में उसने अपनी माँ को कहा कि अम्मा फिर मिलेंगे। एंड सी केप्ट स्माइलिंग टू सी हर मदर, और अपनी माँ को देखकर वो लगातार मुस्कुराती रही। बाद में उसको गुड बाय कहा कि सी यू सून अम्मा, और फिर वो मुस्कुराती रही। और मुस्कुराती रही वो इसलिए क्योंकि वो अपने दर्द को छिपाना चाहती थी। हालांकि वो मन से काफ़ी उदास थी लेकिन अपने चेहरे के ऊपर वो मुस्कान बिखेर के वो अपने दर्द को छिपाना चाहती है ताकि इस बात का उसकी मदर को आभास ना हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पोइम समरी, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इस पोइम का जो टेक्स्ट है वो करेंगे लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन, और लास्ट में उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड सी यू सून।